हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में बहुत कुछ दिलचस्प देखने को मिला, जहां एक ओर हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस के सपनों पर पानी नहीं बल्कि सुनामी फेर दी, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहुमत से सिर्फ 4 सीटों से चूक गई। हालांकि उन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली है। इस चुनाव में किंग मेकर मानी जा रही पार्टियों के प्रमुखों के सपनों को भी बुरी तरह से तोड़ दिया। हरियाणा में जहां दुष्यंत चौटाला की जेजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, तो कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर ही सिमट गई। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पार्टियां पूर्व में बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है और गठबंधन की सरकार दोनों राज्यों में चलाई जा चुकी है, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के कारण दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म होती हुई दिख रही है। दुष्यंत चौटाला की तो लगभग खत्म ही मानी जा रही है, क्योंकि वे खुद अपनी सीट उचाना कला पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। किसने सोचा था कि पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वे अपनी ही सीट पर 5वें नंबर पर रहे। वहीं पीडीपी का चेहरा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट से अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को चुनाव लड़वाया, लेकिन नतीजा ये रहा कि इल्तिजा मुफ्ती अपनी पारिवारिक सीट भी नहीं बचा पाई। ऐसे में जानेंगे कि इन दोनों पार्टियों का चुनाव में क्यों इतना बुरा हाल हुआ और आगे इनका क्या राजनीतिक भविष्य है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने राज्य में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम से गठबंधन किया। पूरे साजेबाजे के साथ दोनों पार्टियों ने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और फिर चुनाव की तैयारियों में जुट गए, लेकिन दोनों के हाथ एकदम खाली रहे। दुष्यंत चौटाला का चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन काम तो नहीं आया, उल्टा वे खुद अपनी सीट पर दो दो निर्दलीय उम्मीदवारों से पिछड़ गए। राज्य की ज्यादातर सीटों पर जेजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाई है, जबकि चुनाव परिणामों से पहले ये माना जा रहा था कि अगर कहीं मामला फंसता है तो जेजेपी किंग मेकर बन सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 2019 के चुनाव में बनी थी। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सो उन्होंने दुष्यंत चौटाला से हाथ मिला लिया और दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। दूसरी ओर पीडीपी जो पिछले चुनाव में 28 सीटों पर थी और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वो पार्टी इस बार 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस करारी हार के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संभवतः जम्मू कश्मीर की जनता एक स्थिर सरकार चाहती थी, इसलिए उन्होंने एनसी कांग्रेस को पूरा मौका दिया। हालांकि महबूबा मुफ्ती को यह हार कड़वे के साथ तीखे घूंट की तरह रही, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटा था तब उससे पहले बीजेपी पीडीपी की ही राज्य में सरकार थी और कहा जा रहा है कि लोगों का इसलिए पीडीपी को लेकर गुस्सा था और जनता की नाराजगी इसी बात से समझी जा सकती है कि पीडीपी अपनी पैतृक सीट पर भी करीब 9000 से ज्यादा वोटों से हार गई। इस हार को पीडीपी के राजनीतिक भविष्य पर संकट के रूप में एक बड़ा सवालिया निशान माना जा रहा है। अब अगले 5 साल के बाद पता चलेगा कि ये दोनों पार्टियां कुछ बेहतर कर पाती हैं या नहीं, लेकिन इस चुनाव से दोनों को ये सीख जरूर मिली होगी कि जन समर्थन जिसके साथ है वो अर्श पर है और जहां जनता नाराज है फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो वो फर्श पर है। बहरहाल इन दोनों पार्टियों को खुद की जड़ें फिर से मजबूत करनी होंगी, जिसके लिए जनता के मुद्दे तो उठाने ही होंगे, साथ ही 5 सालों तक लगातार राजनीतिक गतिविधियां करती रहनी पड़ेंगी, तभी कुछ जनाधार मजबूत हो सकता है। सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कयादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एकतरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। फोन टू आस्क एनीथिंग प्लीज।
2014 में 28 सीटें जी जी जी, और 2024 में 3 सीटें जी जी, क्या जी? 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की च्वाइस है, आपको लोगों की च्वाइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। सॉरी जी, 2014 में आपने जो बीजेपी के, मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ, पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे बने, तो वही मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए, ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो एक वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें, कि उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। वैसे जी गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं, और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़फोड़ करने का मौका मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़फोड़ हो जाती, और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो आप, माई ऑल द बेस्ट विशेज आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है, कि और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं, उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनके उनसे जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। कौन सी वजह रही आपके साथ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों से कम्युनिकेशन आप नहीं बिठा पाई? सॉरी मैम, वो ऐसी कौन सी वजह रही? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों की च्वाइस है। इस बार लोगों ने चुना कि हम सिंगल कॉम्बिनेशन को मैंडेट देंगे, हम इधर उधर वोट नहीं डालेंगे, बल्कि एक जो अलायंस है उसको वोट देके उनकी सरकार बनाएंगे, सर आंखों में।